अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। यू आर लिसनिंग सारा नईम। टुडे आई विल डिस्कस द गाइडलाइन ऑफ क्यूनोलोन्स फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड यूनिट्रैक एंटीसेप्टिक्स फ्रॉम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। आई एम शेयरिंग दिस गाइडलाइन फ्रॉम लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी 7th एडिशन। सो लेट स्टार्ट। क्यूनोलोन्स फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड यूनिट्रैक एंटीसेप्टिक्स, ये चैप्टर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी भी आपने सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करनी। जो बैक्टीरियोलॉजी के ये 4-5 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चैप्टर्स के ऊपर आपका जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलोन्स की आपको क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा यूक्यूज़ आते हैं और रिपीटेड यूक्यूज़ आते हैं, यानी कि एक आधी दफ़ा आ गया। बहुत ज़्यादा ढेरों यूक्यूज़ हैं, आप उठा कर देखेंगे तो हर दूसरा तीसरा यूक्यू फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में आया हुआ है। तो ये होल टॉपिक ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये यूक्यूज़ में पूछा जाता है। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये फिगर दी गई है, फिगर जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन जाते होते हैं, तो आपने ये वाले क्लिनिकल यूजर्स बहुत अच्छे तरीके से करने होते हैं। इसकी रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स आपने इसकी रीड करनी है, फार्माकोकाइनेटिक्स को याद नहीं करना, इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूक्यूज में पूछी जाती है वो है इसके एडवर्स इफेक्ट्स। तो रिपीटेड यूक्यू जो आता है वो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। जो आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स का एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, वो इसका टेंडन रप्चर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये टेंडन रप्चर करा देते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ क्लिनिकली यूजफुल फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, इनको आपने अच्छे तरह से रीड करके इसके बस क्लिनिकल यूजेस निकाल लेने हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सेसिन को हम किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं और इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। अब ये बात आपने यहाँ से याद रखनी है, जो कि कैटसन में नहीं लिखी हुई और सिर्फ लिपिनकॉट में लिखी हुई है, कि जो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है इसको हम ट्रैवलर्स डायरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, टाइफाइड में यूज़ करते हैं। तो ये एक USCQ में पूछा गया है, ये ट्रैवलर्स डायरिया में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, जो कि कैटसन में ये चीज़ नहीं दी हुई, तो ये आपने यहाँ से अच्छे तरीके से कर लेनी है। नेक्स्ट ये जो ये ड्रग्स हैं इनके भी आपने क्लिनिकल यूजर्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है और लिवोफ्लॉक्सेसिन है, तो इनके आपने क्लिनिकल यूजर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फुलेट एंटेगोनिस्ट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यूक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं, इस टॉपिक में से आते हैं सॉरी, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में दोनों ड्रग्स का मैकेनिज्म बताया गया है फिगर 31.7 में, तो इस डायग्राम को अपने अच्छी तरह से देख लेना। सबसे पहले जो फर्स्ट ड्रग है सल्फोनामाइड्स, जो कि इस वाले एंजाइम पे एक्ट करती है, तो ये सल्फोनामाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स और जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड्स की। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स में जो बात मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि वैसे तो इसके ओवरऑल सारे एडवर्स इफेक्ट्स ही SCQ की फॉर्म में पूछे जाते हैं, रिपीटेड आपका UQ है और आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ MCQ में पूछी जाती है वो ये है कि ये क्रिस्टल यूरिया कॉज करा देती है जो सल्फोनामाइड्स हैं, तो इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है MCQs के अंदर, तो वो होता है एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड अल्कलनाइजेशन ऑफ यूरिन। तो ये आपका MCQ है, इसको आपने अच्छे तरह से देख लेना। दूसरा वो पूछते हैं कि जो सल्फोनामाइड्स हैं इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ये करा देते हैं, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखनी है। फिर न्यू नेट्स के अंदर ये कर्निक्ट्रस करा देते हैं, ये भी आपका MCQ है, इसे भी आपने अच्छे तरह से याद करना है। फिर इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इसको भी हम न्यू बॉर्न्स के अंदर और जो इन्फेंट्स लेस देन 2 मंथ्स ऑफ एज होते हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर हम सल्फोनामाइड्स नहीं देते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो ये बात आपने अच्छी तरह से 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फिगर 31.9 के अंदर एडवर्स रिएक्शंस दिए गए हैं, तो ये आपने डायग्राम से इनके बस नाम याद कर लेने हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं,
डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कनेक्टर्स की आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि ये क्यों कनेक्टर्स होता है। तो ये आपने यहाँ से इसकी डिटेल पढ़ लेनी है, क्योंकि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ये डिस्प्लेस करा देता है बिलीरुबिन को, तो बिलीरुबिन फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है और कनेक्टर्स करा देता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो सेकेंड हमारी ड्रग है वो ट्रामीथोप्रियम है। ट्रामीथोप्रियम का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सल्फोनामाइड्स और ट्रामीथोप्रियम वाइवा के अंदर रिपीटेडली आज क्वेश्चन थे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता था, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट, इसका भी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक इसका एडवर्स इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रामीथोप्रियम है इसके पोटाशियम स्पेयरिंग इफेक्ट्स होते हैं, और ये क्या कॉज करवा देता है, ये हाइपरकैलेमिया कॉज करवा देता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स के साथ, तो उनके साथ हम नहीं देते, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कोट्रामोक्साजोल कहते हैं। ये ड्रग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो चीज़ कोट्रामोक्साजोल के बारे में पूछी जाती है वो इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेस होते हैं। क्लिनिकल यूजेस ये आपने इसके डायग्राम से भी कर लेने हैं, और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम आपने ये इसका अच्छे तरीके से कर लेना है। जो चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि ये किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो ये जो न्यूमोसिस्टाइटिस होता है या टॉक्सोप्लास्मोसिस के अगेंस्ट हम कोट्रामोक्साजोल जो है वो देते हैं, तो ये आपने चीज़ अच्छी तरह से देख लेनी है। रेजिस्टेंस फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपने एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेना है। एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, यूनिटी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये ड्रग्स हैं, इनको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इनमें से कुछ एमसीक्यू एससीक्यू वगैरह नहीं आता होता, लेकिन आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपने लाजमी करने होते हैं मिनी कैटसिंग से भी और लिपिन कॉर्ड से भी विद देयर डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज की मजीद अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्रैक्स के एमसीक्यूज लाजमी करने। वीडियो के एंड में मैं चैप्टर की समरी बताती हूँ। इस चैप्टर में मैंने आपको जो ड्रग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स, ट्रामीथोप्रियम, कोट्रामोक्साजोल, ये चारों ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनकी आपने हर चीज़ करनी है, इवन अ सिंगल लाइन भी मिस नहीं करनी। जो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स होता है, और कोट्रामोक्साजोल का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है। तो इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी, इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इम्पॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं, इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स, इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 3007।